हेलो दोस्तों, गैजेट गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास है गोडक्स का एलईडी वीडियो लाइट और ओसा का एलईडी वीडियो लाइट, जो कि दोनों ही बहुत पॉपुलर है वीडियो लाइट के लिए। तो आज मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा और देखने वाला हूं कौन सा ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास है गोडक्स का एलईडी वीडियो लाइट जिसका मॉडल नंबर है एलईडी P260C और ओसा का डिजिटल वीडियो लाइट जिसका मॉडल नंबर है OS528 स्लिम प्रो एलईडी वीडियो लाइट। तो दोनों का ही प्राइस मैं पहले आपको दिखा देता हूँ अमेजोन में। तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो। तो गोडक्स का एलईडी वीडियो लाइट का प्राइस देखिए अमेजोन में अभी 6,290 रुपये है और ओसाका का लाइट का देखिए 4,600 रुपये है। तो दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हो। और ओसाका में आपको 528 एलईडी बल्ब मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको 3 मंथ का वारंटी मिलता है, मगर इसका सर्विस सेंटर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मगर एक बार ख़राब हो गया तो गया। और ओसाका में आपको कलर टेम्परेचर 3200 के से लेकर 5600 के तक आपका रहेगा। और गोडक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 256 एलईडी बल्ब पैनल मिल जाता है और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का डिफ्यूज़र दिया गया है, जो कि आपका अलग से डिफ्यूज़र खरीदना नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ पे देखिए आपको व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट डिफ्यूज़र दिया गया है, जिसको आपको अलग से डिफ्यूज़र लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सबसे खास बात है, इसमें आपको 1 साल का इंडियन वारंटी मिलता है, यानी आपका 1 साल में कुछ भी हुआ तो आपका सर्विसिंग फ्री मिल जाएगा। तो चलिए, दोनों ही लाइट को मैं साइड बाय साइड कनेक्ट करके देखता हूँ कि इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म मिलता है, किसका लाइट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसको मैं बैटरी के माध्यम से कनेक्ट करूँगा और इसका मैं एडाप्टर के माध्यम से कनेक्ट करूँगा। तो चलिए, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो अभी मैंने दोनों ही लाइट को सेट कर दिया हूँ। तो चलिए, घर का लाइट को ऑफ कर देता हूँ पहले मैं। तो देखिए, अभी लाइट टोटली ऑफ हो चुका है। तो अभी मैं गोडक्स ऑन कर देता हूँ। तो देखिए, गोडक्स ऑन हो चुका है। तो अभी गोडक्स फुल ब्राइटनेस में है, जैसे कि देख पा रहे हैं। और अभी चलिए, मैं ओसाका को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए दोनों में ही काफ़ी अच्छा लाइट मिल रहा है, मगर गोडक्स में आपको सॉफ्ट वॉक्स लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ओसाका में आपको सॉफ्ट वॉक्स लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोनों ही फुल ब्राइटनेस में अभी। तो चलिए, मैं ब्राइटनेस को कंट्रोल करता हूँ। तो मैं इसका जो येलो ब्राइटनेस है, इसको कम एकदम प्योरीफाइड कर देता हूँ। तो देखिए, अभी एकदम प्योर वाइट कलर है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, 100% में है, ये भी वाइट में है। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए, 100% में कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं 3200 के वाले को बढ़ाता हूँ, यानी येलो को, येलो टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं अगर ब्राइटनेस, मतलब जो वाइट है 5600 के, इसको मैं कमाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको प्योर येलो लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम देखिए गोडक्स का, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो गोडक्स में देखिए, इसका मैं देखिए, मैं इसका टेम्परेचर को डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ब्राइटनेस 100% है, अभी मैं सिर्फ टेम्परेचर को डाउन कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, 45 के टेम्परेचर है। तो इसका मैं और भी समझता हूँ। तो देखिए, मिनिमम 3300 के का टेम्परेचर आ चुका है और अभी 100% ब्राइटनेस है। तो अभी मैं ब्राइटनेस को भी समझता हूँ। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस को कमा देता हूँ। तो देखिए, अभी 50% में ब्राइटनेस है, इसको मैं और भी कमाता हूँ। देखिए, अभी आपका 10% ब्राइटनेस है। यहाँ पे 3300 के का टेम्परेचर है, 10% ब्राइटनेस है। तो अभी मैं ब्राइटनेस को फिर से इंक्रीज कर लेता हूँ। तो अभी मैं ब्राइटनेस 100% कर देता हूँ। तो अभी देखिए, अभी आपका 50% ब्राइटनेस है और 3300 के टेम्परेचर है। तो ब्राइटनेस को मैं 100% कर लेता हूँ। 70% का भी ब्राइटनेस है। अभी देखिए, 100% आपका ब्राइटनेस आ चुका है। तो चलिए, इसका मैं टेम्परेचर को वाइट करता हूँ। तो अभी मैं 3300 के को इंक्रीज करता हूँ। तो अभी देखिए, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 50। देखिए, अभी 5600 एकदम टेम्परेचर है, जो कि मैक्सिमम है और 100% ब्राइटनेस है। तो अभी देखिए, एकदम प्योर व्हाइट कलर आपको मिल रहा है। तो चलिए, अभी इसका भी मैं ब्राइटनेस को डिक्रीज करता हूँ। तो देखता हूँ, तो यहाँ पे अभी देखिए, आपका 70% ब्राइटनेस है। अभी इसको मैं डिक्रीज करता हूँ। तो अभी देखिए, 50% ब्राइटनेस आ चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी 30% ब्राइट, और यहाँ पे देखिए 10% ब्राइटनेस आ चुका है। तो 10% ब्राइटनेस है और यहाँ पे टेम्परेचर है 5600 के। तो कुछ इस तरह आपको लाइट देखने को मिलेगा। तो इसको मैं फिर से 100% करता हूँ।
तो देखिए 100% हो चुका है, तो 100% में कुछ इस तरह आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 5600 के का टेम्परेचर 100% ब्राइटनेस है, और इसका सबसे खास फीचर है स्वयं मोड के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं स्टॉप कर देता हूँ तो देखिए ऑफ हो चुका है, फिर टाइम तो सिंपली ऑन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह आपका देखिए अभी दोनों ही 100% है, 32 भी 100% ब्राइटनेस में है और 56 वाला भी 100% ब्राइटनेस में है। तो चलिए अभी 32 वाला को मैं 50% में कर देता हूँ। तो देखिए 52 में आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए आपका व्हाइट कलर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं 32 वाला को 0 कर देता हूँ। तो देखिए अभी आपका एकदम प्योर व्हाइट कलर आ रहा है 100% ब्राइटनेस में, ठीक है। तो चलिए अभी मैं ब्राइटनेस जो है 56 वाला इसको भी मैं 50% कर देता हूँ। तो देखिए 50% में जो इस तरह रिजल्ट मिलेगा आपका, और 0 कर देता हूँ तो देखिए एकदम बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपका एकदम 0 तक ब्राइटनेस आता है, और वहाँ तक कम या 10% ब्राइटनेस जाता है। तो इसका मैं भी 0 रहने देता हूँ और 32 वाला को मैं इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका एकदम प्योर लाइट आता है। तो देखिए अभी 100% ब्राइटनेस है, और यहाँ पे देखेंगे तब तक 50% ब्राइटनेस है, और यहाँ पे देखेंगे तब तक 0% ब्राइटनेस है। तो कुछ इस तरह आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए अभी 56 वाला 0 है और 32 वाला 100% में है। तो मुझे इस तरह आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों ही लाइट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोनों ही लाइट। और बोटोक्स में सबसे खास फीचर इसका रिमोट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो, और एक साथ मल्टीपल लाइट भी कनेक्ट कर सकते हो एक रिमोट के माध्यम से, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको अलग से डिफ्यूजर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर इसमें आपको हल्का डिफ्यूजर यूज करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिमूवेबल डिफ्यूजर मिलता है जिसको आप चेंज कर सकते हो, एकदम व्हाइट डिफ्यूजर लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लाइट है, दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हो। अगर आपको रिमोट यूज करना है तो आप वो वाला ले सकते हो, अगर आप नॉर्मल यूज कर सकते हो तो ये वाला ले सकते हो। इसका प्राइस कम है और इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि ऐसे वीडियो आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।